एक नंबर खिजरी विधानसभा से जीत लाएंगे। आदमी कहा जाता है कि बकरी बकरी सुअर कुत्ता भरिया और मतलब कि शेर शेर जो है उस शेर ही का निकालेगा। बात रह गया कि आदमी बोलता है ना कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हम लोग का जो उतना भी कचकरता है दहाड़ने का भी काम कर रहे हैं और हमारे खिजरी विधानसभा में एक नंबर वोटिंग दिलाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि कहा जा रहा है कि खिजरी में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, एक तरफ बीजेपी दूसरा तरफ कांग्रेस, मतलब डबल मुकाबला है। ये कांटे का कोई टक्कर नहीं है, मगर देखा जाए तो एक तरफा हमारी जीत होगी। कि विकास का काम जैसे आपका कोई भी क्षेत्र में, खिजरी विधानसभा का जो है कोई भी क्षेत्र में आप जाइएगा तो राजेश कच्छप का वोट जरूर मिलेगा। जब से चुनाव हो रहा है उस समय से बीजेपी और कांग्रेस का चलते आ रहा है, सबसे लेके कांग्रेस और बीजेपी दोनों से हटके जितना हमारे अंगड़ा प्रखंड में विकास का काम हुआ है, हमको लगता है कोई भी विधायक नहीं किए। राजेश कच्छप ने काम किया है जरूर। हाँ, हम लोग क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, तरह तरह के काम किए हैं। इस बार वो जीत रहे हैं? सबको जीतेंगे, एक तरफा वोट होगा। आपको आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा काम किया है, इस बार जीत है पक्का। जीत है? हाँ, जीत। और राम कुमार पाहन के बारे में क्या बोले? हाँ? क्या बोलेंगे उसके बारे में? हम लोग जानते नहीं है ठीक से, नहीं जानते आप। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। झारखंड के कांसे विधानसभा से रांची जिले के खिजरी विधानसभा की बात करूँ तो ये विधानसभा सबसे बड़ा विधानसभा कहा जाता है और ऐसे में 20 नवंबर को खिजरी विधानसभा में मतदान है और खिजरी विधानसभा के चुनावी दंगल में कौन बाजी मारेगा ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन ऐसे में जो चुनावी मैदान में मौजूद है, एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कच्छप तो दूसरी तरफ राम कुमार पाहन, कैसे लोग देख रहे हैं, कैसा मुकाबला देख रहे हैं, यही जानने के लिए हम इस वक्त खिजरी विधानसभा में मौजूद है। कुछ समर्थक है हमारे साथ राजेश कच्छप के, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले बताइए कि आप लोग प्रत्याशी भी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी खूब मेहनत कर रहे हैं। बहुत जोरदार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या लग रहा है कि कहा जा रहा है कि खिजरी में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, एक तरफ बीजेपी दूसरा तरफ कांग्रेस, मतलब डबल मुकाबला है। ये कांटे का कोई टक्कर नहीं है, मगर देखा जाए तो एक तरफा हमारी जीत होगी। एक तरफा जीत होगी। पार घूम घूम कर बोल रहे हैं कि राजेश कच्छप ने कोई काम नहीं किया 5 साल तक और अंतिम में वो जाकर के एक ही दिन में 10-10 शिलान्यास किए हैं, 20-20 शिलान्यास किए हैं। देखिए, हम लोग इस खिजरी विधानसभा के जितना भी मतलब प्रभारी है, अभिकर्ता है, सब हम लोग रात दिन एक करके हम लोग चुनाव का एक नंबर खिजरी विधानसभा से जीत लाएंगे। आदमी कहा जाता है कि बकरी बकरी सुअर कुत्ता भरिया और मतलब कि शेर शेर जो है उस शेर ही का निकालेगा। बात रह गया कि आदमी बोलता है ना कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हम लोग का जो उतना भी कचकरता है दहाड़ने का भी काम कर रहे हैं और हमारे खिजरी विधानसभा में एक नंबर वोटिंग दिलाने का काम करेंगे। आज हम लोग का कम से कम 25 अभिकर्ता आया हुआ है, इन लोग सब मतलब कि हम लोग का बीजेपी का देखिए प्रत्याशी जाते हैं तो वो अपना काम गिनवाते हैं क्योंकि राजेश कच्छप विधायक भी है। आप लोग जब जनता के बीच जाते हैं तो क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए, सबसे पहला कि विकास का काम जैसे आपका कोई भी क्षेत्र में, खिजरी विधानसभा का जो है कोई भी क्षेत्र में आप जाइएगा तो राजेश कच्छप का वोट जरूर मिलेगा। एक ऐसा मात्र प्रत्याशी यही है जो कि जब से चुनाव हो रहा है उस समय से बीजेपी और कांग्रेस का चलते आ रहा है, सबसे लेके कांग्रेस और बीजेपी दोनों से हटके जितना हमारे अंगड़ा प्रखंड में विकास का काम हुआ है, हमको लगता है कोई भी विधायक नहीं किए। जैसे आप 2019 के बाद जहां भी आप देखिएगा, सबसे पहला हम अपना क्षेत्र से गिनवा दें या तो फिर पूरे अंगड़ा प्रखंड का गिनवा दें, पहले हम अपने क्षेत्र का करते हैं। हमारा एक ऐसा रोड है जो पर्यटन स्थान का रोड है, हुंडरू फॉल से लेकर सिंगारी, 2011 में बना था वो रोड, जर्जर हाल में था। हम लोग कम से कम वहां का जनता कम से कम हम लोग को 100-200 एप्लीकेशन जो है
पूर्व विधायक जो राम कुमार पान थे उनको दिए, लेकिन उन लोग कुछ उन्होंने कुछ काम नहीं हुआ देखा है। एक नाला जो है डिमरा नाला बोला जाता है, वो नाला में कम से कम हम लगता है कि 11-12 पंचायत का आदमी उसमें आना जाना करते हैं, जो कि सिल्ली विधानसभा भी वो ब्लेम करते हैं और खिदी विधानसभा से भी। वो पुल का हम लोग का मांग था, किसी ने नहीं किया, आज राजेश कच्छप ने करवाया। आपका पीसीसी पुल पुलिया के लिए तो कहने ही नहीं है। गुंगा नाला विपक्ष वाला बोलते हैं कि गुंगा नाला का रामकुमार पाहन तो घूम घूम कर बता रहे हैं कि राजेश कच्छप ने काम नहीं किया है, तो फिर इस पर क्या जवाब? जनता तो देख रहे हैं ना, जनता तो देख रहे हैं उसमें कितना फाइट देख पा रहे हैं। कम से कम 95% आदमी देख रहे हैं, जनता देख रहे हैं। कितना टक्कर देख पा रहे, कैसी लड़ाई देख? एक तरफा लड़ाई है। आप 23 तारीख खुद देख लीजिएगा, हम नहीं बोलेंगे, जनता बोल रहा है। आप कोई भी मोहल्ला जाइए, कोई भी गांव जाइए, बिना राजेश कच्छप का नाम लिए हुए आदमी नहीं रहता है। आज ये देख रहे हैं जत्था सब हुंडरू फोल का है, आप जरा से देख लीजिए हुंडरू फोल का है। ये क्या हम लोग का चेहरा देख लिया है? राजेश कच्छप का काम देख के आ रहा है, जो कि विधायक का जो फंड आता है मैडम, उस फंड को सबसे पहला हुंडरू फोल में ही दिया है, सबसे पहला 7 बजे भोर। इन्हीं से जानते हैं राजेश कच्छप ने काम किया है जरूर। हाँ, हम लोग क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, तरह तरह के काम किए हैं। इस बार वो जीत रहे हैं? सबको जीतेंगे, तरफा वोट होगा। आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा काम किए हैं, इस बार भी जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा काम किए, इस बार जीत है पक्का। जीत है? हाँ, जीत। और रामकुमार पाहन के बारे में क्या बोले? क्या बोलेंगे उसके बारे में? हम लोग जानते नहीं है ठीक से। नहीं जानते आप? राजेश कच्छप इस बार पक्का जीतेंगे। सभी बोल रहे हैं कि राजेश कच्छप इस बार पक्का जीतेंगे। 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि खिजड़ी की जनता राजेश कच्छप को एक बार फिर से सत्ता में ला रही है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।